आगामी 13 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला शुरू होने जा रहा है। मेले के दौरान हजारों की तादाद में वाहन यहां आते हैं। इन दिनों जतौन से रेणुका सड़क की हालत काफी दयनीय हो गई है। वन वे सड़क होने के कारण बड़े वाहनों के चलने से हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। इन दिनों भी लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजर रही हैं। सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। वहीं विभाग सड़क मार्ग को दुरुस्त करवाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सतौन के समीप टिक्कर खाली की अगर बात की जाए तो अब भी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं मौके पर मिले लोगों ने बताया कि रेणुका मेले के दौरान शिलाई पोंटा उत्तराखंड और हरियाणा से हजारों श्रद्धालु मां रेणुका के दर्शन करने आते हैं, लेकिन सड़क की दयनीय हालत मेले में श्रद्धालुओं के लिए भारी पड़ सकती है। रेणुका मेले के दौरान प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी पहुंचेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हेलीकॉप्टर की जगह सिरमौर की सड़कों से आवाजाही करें। आपको सिरमौर की सड़कों की असली औकात पता चल जाएगी। यहाँ सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा है। आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, पर प्रशासन शासन कोई भी कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जब वो श्री रेणुका जी मेले के दौरान मैं वहां पर जो है विजिट करने वाले हैं, तो मेरा तो यहां के समस्त जनों की तरफ से आग्रह रहेगा कि वो सतौन होते हुए सड़क मार्ग से ही ट्रेवल करें, ताकि उन्हें वस्तु स्थिति का पता चले कि हमारे सिरमौर के अंदर जो है स्थिति क्या है। जिस तरह से हमारे सिरमौर के साथ जो है पक्षपात हो रहा है, खास करके हमारा जो ये यहाँ से स्टोन से जो रोड जाता है और इस तरह के कई और जो रोड हैं, जहाँ पर इस समय जो है सड़क की दुर्दशा की वजह से कई जो है ना एक्सीडेंट हो चुके हैं, और जो है ना इस तरह के एक्सीडेंट होने की भी बुरी संभावना रहती है। हमें जो है मुख्यमंत्री जी से हमें ये उम्मीद है कि वो जो है बाय हेलीकॉप्टर ना आकर के वो जो है स्टोन से सड़क मार्ग से श्री रेणुका जी मेले के लिए शिरकत करें, और उन्हें पता चलेगा कि इस सड़क की दुर्दशा कितनी ज्यादा है। पिछले 70 साल से जो है ये जो सड़क है जो कि इसके पर जो है, फिर भी अगर देखा जाए रख रखाव के हिसाब से पहले की सरकारों ने अच्छा काम किया, लेकिन यदि जयराम सरकार की बात करें तो रख रखाव के मामले में ये सरकार बिल्कुल नील रही है। सौगातों की तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार है ये जुमलों की सरकार है। अभी तक भी जो है जो भी इन्होंने किसी भी तरह की कोई घोषणाएं की है वो धरातल पे कहीं पर भी नहीं उतरी है। ये जो है सबसे बड़े अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि हवाई विकास ना दे करके हमें जो है जमीनी स्तर का जो है विकास हमें दें। हमारी जो बिजली है, पानी है, सड़क है, और हमारी जो बेसिक जो हमारी एजुकेशन है और हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको जो है आप जितना भी हमारा कमियां हैं, चाहे वो स्टाफ की है, चाहे हमारे सड़कों पे गड्ढे हैं, सड़कें हमारी टूटी फूटी है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी सौगातें जो है लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए चुनावी वर्ष में करें, हम चाहते हैं कि जो बुनियादी जो ढांचा यहाँ का जो चरमराया हुआ है उस ढांचे को आप मजबूत करें, बिजली की व्यवस्था को अच्छा करें, और खास करके जो सड़क है जो कि मेन चीज है, क्योंकि बिना सड़क के जो है कोई भी विकास नहीं हो सकता है। सड़कों की हालत हमारे पूरे सिरमौर के अंदर जो है एक नमूने के तौर पे आप देख सकते हैं, आप बंधुओं ने देखा, बिल्कुल एकदम जो है बहुत ही बदतर जो है हालत यहाँ पे सड़कों की है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पोंटो साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।